हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी और ग्रुप्स वगैरह में मैसेजेज आ रहे थे कि भाई आजकल आप जो है वो कॉकटेल्स के ऊपर जो है वीडियो बहुत कम बना रहे हैं, तो शायद आप जो है वो कॉकटेल को जो है वो नहीं पसंद कर रहे या भूल चुके हैं। तो उन उनको मैं आज ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी जो है ना ऑफ सीज़न है, ठीक है, और मैंने जो है ना वो बर्ड्स जो है ना वो अभी एक जगह पर किए हुए हैं, और इसीलिए जो है ना अभी इनकी ब्रीडिंग वगैरह भी अभी जो है वो रुकी हुई है। तो इसलिए जो है ना अभी मजीद जो है ना वो टॉपिक्स पे जो है ना कॉकटेल के वीडियो नहीं बन रही थी। तो अगर नहीं वीडियो नहीं बन रही, इसका ये मतलब नहीं है कि जो है ना हमने कॉकटेल को छोड़ दिया है, ठीक है। कॉकटेल को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है, कॉकटेल ही तो जो है वो परिंदा है, ठीक है। आपको इस चीज़ का मैं अभी बताता जाऊँ कि इस टाइम जो है ना वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, टोटल जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो मैंने कॉकटेल्स के ऊपर जो है ना वो की हुई है। अभी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है जिसमें से जो है ना वो मैंने लव बर्ड या किसी दूसरे परिंदे पर की हुई है। इस टाइम जो मेरी 100 में से जो है ना वो 80 to 85% जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी कॉकटेल के ऊपर है। टोटल इस टाइम मैंने जो है ना वो कॉकटेल लगाया हुआ है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप कहें कि जो है ना हम कॉकटेल को जो हमने छोड़ दिया या कॉकटेल के जो हम वीडियोज़ वगैरह अपलोड नहीं करते। तो इंशाल्लाह हम कभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो जैसे ही हम जो है इनकी ब्रीडिंग वगैरह आएगी या जो भी इनके हवाले से ब्रीडिंग प्रोग्रेस होगी, ब्रीडिंग टिप्स वगैरह होंगी, तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो मैं लाजमी शेयर करूँगा। तो इसके साथ जो है ना आपने उसके लिए आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि मैं कॉकटेल के साथ साथ जिस बर्ड्स के हवाले से भी मैं जो है ना वो वीडियो बनाऊँ वो आप तक जो है ना वो पहुँच सके। बेशक वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, ब्रीडिंग टिप्स के वाले से हो, ब्रीडिंग प्रोग्रेस के वाले से हो, किसी चीज़ की भी वीडियो होगी वो आप तक जो है ना वो पहुँच सकेगी। तो इसीलिए हम चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो है ना बहुत सारी अभी इस पे तो बात होगी। ये बात तो मैंने क्लियर कर दी कि मैं जो है अभी वीडियो जो है ना वो कम क्यों बना रहा था। तो अभी जो है ना वीडियो ये भी आपके लिए बना दी, और आपके लिए जो है ना वो मैं साथ साथ वीडियो बनाता रहूँगा कॉकटेल के ऊपर, ताकि जो है ना वो कॉकटेल लवर जो है उनको जो है ना कोई मसले का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अभी फिर उसके बाद मुझे जो मैसेजेस दोबारा दूसरे आ रहे थे, तो वो मुझे मैसेजेस ये बहुत ज़्यादा आते हैं वो मैं आज हाईलाइट करूँगा कि बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि वो उन्होंने कॉकटेल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, कॉकटेल्स लगाए हैं। वो मुझे बार बार एक ही मैसेज करते हैं भाई कि हमने कॉकटेल्स लगाए हुए हैं, वो हमारे पास ब्रीड नहीं कर रहे, हमें 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, हमने वो ब्रीड जो है वो हमारे पास नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं उन भाइयों को कहूँगा, भाई ये जो शौक़ है ये सब्र वाला शौक़ है, इसको आप सब्र के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो है ना वो रिज़ल्ट इसका ज़रूर आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप सब्र और मेहनत करें और आपके पास रिज़ल्ट ना आए, ये कभी भी हो नहीं सकता। हाँ, कोशिश ये करनी है कि आप इनका अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं और आपके पास जो है ना वो पेयरिंग कम्प्लीट है। तो इसीलिए जो है ना आपको मैं यही आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको यही मैं मशवरा देता रहा हूँ कि अगर आपने सब्र नहीं करना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अभी ये एक इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस है, ठीक है। ये हम कोई अब नॉर्मल हमारी कोई वो शॉप वगैरह नहीं है, या नॉर्मल हमारा कोई नहीं है कि हम जो है ना वो एक दिन जो है ना वो चीज़ लेकर आए हैं तो अगले दिन वो हमारी चीज़ बिकना शुरू हो जाए। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। अगर आपको इस शौक़ में अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो आपको जो है ना इसमें सब्र से काम लेना पड़ेगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सब्र 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 करेंगे तो कुछ होगा, इसके अलावा जो है ना वो कुछ नहीं होगा। फिर मैं आपके साथ जो है ना वो मदद करूँगा, क्योंकि अगर आप नहीं इस तरह बात को सुनेंगे, ठीक है, आप बार बार एक ही करेंगे मैसेज, तो फिर उस चीज़ से जो है ना वो का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये करें कि आप जो है ना अगर आप न्यू सेटअप अगर आपने शुरू किया तो सबसे पहले आप उसको जो है ना आप पट्ठों से स्टार्ट करें। ये मैं सब भाइयों को यही कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कॉकटेल लगाया, कॉकटेल से हट के भी अगर आपने न्यू सेटअप इस लगाया है तो आप पट्ठे लें, पट्ठे ले के आप उनको अडल्ट होंगे तो वो आपके पास इजीली ब्रीड करेंगी, क्योंकि आपके पास उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा, वो आपके पास सेट हो चुके, तो वो आपके पास सेट हो चुके होंगे तो वो आपके पास जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपके पास जो है ना वो ब्रीड करेंगे। तो इसीलिए जो है ना फ्रेंड्स, आपने जो है ना वो पट्ठे आप लगा लें, ठीक है, क्योंकि कॉकटेल जो है ना वो सेट होने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लेता है, ठीक है। कॉकटेल अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ब्रीडर पेयर लेंगे एक घर से, अगर वो ब्रीड कर रहे तो वो दूसरी जगह घर जाके ब्रीड कर देगा, बहुत मुश्किल है। बहुत कम ऐसे पेयर होते हैं जो दूसरी जगह जाके भी सेट हो जाते हैं। कॉकटेल मैंने आपको बार बार कहा कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बर्ड है, ये एकदम जो है ना वो सेट नहीं होता, ये बहुत जल्दी जो है ना वो बुरा बना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना वो आप कोशिश करें कि आप पट्ठे लेके तो उनको जो है ना वो डल करके आप तैयार करें तो इंशाल्लाह आपको ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपने डल पेयर अगर ले भी लिए हैं तो उसको थोड़ा सा आप टाइम दें, ठीक है,
थोड़ा सा टाइम देने से मुराद ये है कि आप और आपने उसको नया पेयर ले लिया तो आप उसको 2-3 महीने उसको दें, वो आराम से अपनी सेटिंग करेगा, उस महीने में हो सकता है वो आपके पास ब्रीड कर रहा है कर दे, ठीक है। जो आपके पास अभी जो कॉकटेल ब्रीड कर रहे हैं आप उसके ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, ठीक है। वो आप जो ब्रीड आ रही है उससे आप अच्छी ब्रीड लें, और जो अभी आपका पेयर नहीं चला उसको मजीद थोड़ा सा टाइम दें, वो भी आपके पास जो है ना वो लाजमी चल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इस टाइम अभी जो है ना मार्केट में जो है ना इस टाइम कॉकटेल वैसे भी जो है अभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ हुआ है, ठीक है। कॉकटेल का इस टाइम जो है ना माशाल्लाह से भी काफ़ी अच्छा जो है वो बिज़नेस हो रहा है, ठीक है। मैं अभी शुरू की मैंने वीडियो अगर किसी भाई ने नहीं देखी तो मैं जाके देख ले, कॉकटेल के ऊपर मैंने कहा था कि कॉकटेल जो है ना मैं आपको जो है ना वो बहुत कम मिलेगा कॉकटेल में, इस टाइम फीमेल तो आपको बिल्कुल नहीं मिल रही, फीमेल आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुके हैं इस टाइम मार्केट में से, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना अभी आपको जो है ना वो अब आप किसी से लेते हैं तो वो आपको किस तरीके से जो है वो आपको घर से वो अडल्ट पेयर निकाल के देगा, कभी हो ही नहीं सकता। कि अब मैं अपनी बात काट लेता हूँ, किसी की बात नहीं करता, अगर मेरे पास इस टाइम अडल्ट फीमेल या मेल पड़ा हुआ है तो मैं भी किसी को नहीं दूंगा, मेरी यही कोशिश होगी कि मैं उसको लगा लूँ, ठीक है। लेकिन यह है कि बहुत सारे फ्रेंड जो है ना वो इसी तरह करते हैं, अब ग्रे है ना, ग्रे आपको जो है ना वो फ्रेंड दे देते हैं, ग्रे आपको मिल जाएगा, अडल्ट पेयर भी मिल जाएगा, लेकिन फीमेल उसमें भी आपको कम मिलेंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पट्ठे लें और इजीली आप जो है ना उनको थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंतज़ार करके आप उनसे जो है ना वो अच्छी ब्रीड लें, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में कॉकटेल जो है ना बहुत अच्छी प्राइस में अभी आपको अवेलेबल होगा, बहुत ज़्यादा जो है ना इसका इनक्रीज फ्यूचर अच्छा होगा। इस टाइम लव बर्ड ट्रेंड है, लेकिन आने वाला वक्त ज़रूर कॉकटेल का ट्रेंड बनेगा, ये आप मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइम जो है ना बहुत सारे ब्रीडर जो है ना वो कॉकटेल के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो सामने जो है ना वो आ नहीं रहे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना इन्वेस्ट, मैं खुद आपको बात बताऊँ, मैं खुद जो है वो कॉकटेल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कॉकटेल जो है ना वो एक ऐसा बर्ड है, और एक तो दूसरी चीज़ ये मेरा जो है ना सबसे फेवरेट बर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना इन्वेस्टमेंट मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह अभी इसका सीज़न आएगा तो अभी जो है ना हम इनको ब्रीडिंग पर भी लगाएंगे, तो उससे पहले जो है ना यही फ्रेंड तो आज यही फ्रेंड्स की जो है ना वो मुझे आ रहे थे बार बार, भाई हमारे पास कॉकटेल हैं, ब्रीड नहीं कर रहे, ब्रीड नहीं कर रहे, ब्रीड नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो है ना मैंने कहा इनके लिए एक वीडियो लाजमी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो जो है ना वो हम बनाएंगे, बना ली मैंने, चलो खा मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो जो है ना वो भाइयों के साथ हम शेयर, मल्टीविटामिन जो है वो आप इनको जो है ना वो अच्छे अच्छे यूज़ करवाएं, ठीक है। जो आप मेरी अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मैंने मल्टीविटामिन के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, कैल्शियम के ऊपर भी, विटामिन के ऊपर भी, कि इनके हम कैल्शियम और विटामिन की कमी किस तरीके से पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, कॉकटेल बर्ड्स का। क्योंकि फिर और एक और बात, ठीक है, एक और बात है मेरी, अब याद रखिएगा, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, ठीक है, कि फ्रेंड जो है ना उन्होंने कॉकटेल लगाए हुए हैं, ठीक है, वो जो है ना वो उनके ऊपर तजर्बे ही करते रहते हैं। अब एक मेल पेयर लगा हुआ है, ठीक है, वो लगा हुआ है, वो कहते हैं नहीं ये मेल उसके साथ होना चाहिए, वो फीमेल उसके साथ होनी चाहिए। खुदा के बंदे, जो पेयर तुम लोगों का लगा है उसको एक जगह पे सेट लगा रहने दो ना, आप उसको चेंज किस लिए कर रहे हो, ठीक है। उसने उसके साथ भी ब्रीड करनी है, उसने उसके साथ भी ब्रीड करनी है, ठीक है। तो जो पेयर आपका लगा हुआ है तो वो आपने इतना टाइम पहले लगा उसका पेयर, आप वो जब आप नया पेयर लगाओगे एक जगह उसकी जो आप उस पिंजरे से निकाल के उस पिंजरे में डालोगे तो वो किस तरीके से आपके पास पेयर ब्रीड करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है ना कि आप उसकी जगह जब चेंज करोगे तो जगह चेंज होने में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर वो पेयर बनने में टाइम लगाएगा, वो पेयर बनेगा, जगह पे सेट होगा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड ले जाएगा ना। फिर फ्रेंड्स कहेंगे जी वो हमारे पास ब्रीड नहीं कर रहा। जब आपके पास एक चीज़ लगी हुई है अच्छी भली, वो पेयर आपका एडजस्ट हो चुका है तो उसको एडजस्ट रहने दो, खुदा रहा उसके साथ बॉक्स लगाओ, बॉक्स लगा के उस पेयर से आप ब्रीड लो। ये नहीं कि आप वो फीमेल उसके साथ लगा दो, वो मेल उसके साथ लगा दो, वो मेल उठाया उसके साथ लगा दिया, वो उसके साथ लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपके पास ब्रीड कहाँ से आएगी, आप मुझे खाली इस चीज़ का जवाब दे दो, ठीक है। अल्लाह ने अक्ल शौहर आज किसी इंसान को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना आप जो है ना वो इस तरीके से ना करें, जो पेयर आपका सेट हो गया उसको सेट रहने दें और उसी से आप ब्रीड लें, और खुदारा जो है ना वो देखभाल कर चीज़ लें, मार्केट से लें, किसी से लें, अल्लाह ने आपको अक्ल भी दी है, आंखें भी दी हैं, सब कुछ दिया। इसीलिए जो है ना वो आप जो है ना वो अपने आप से आपने जो है ना वो जज करके आपने अच्छी चीज़ लेनी है। आजकल तो कोई ऐसा वो बंदा नहीं है कि जो आपको जो है ना वो अच्छी चीज़ लेके देना पसंद करेगा, हर किसी की यही कोशिश होगी कि उसके पास अच्छी चीज़ हो, अच्छी चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये आपको जनरली एक आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप इंसान की ये कोशिश होती है, इसमें कोई ऐसे वो छुपी हुई बात नहीं है, कोई इसमें शर्म खाने वाली बात नहीं है, इसमें इंसान की यही कोशिश होती है कि ये जो अच्छी चीज़ है वो मेरे पास हो, अगले के पास अच्छी चीज़ ना हो, ठीक है। जब आप इस तरह की सोच रखेंगे तो फिर आपके काम में और अबला आपकी जो है ना वो ब्रीडिंग में किस तरीके से बरकत डालेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो है ना वो अपने जो है ना वो साफ़ रखें, आप खुद चीज़ अच्छी ले रहे हैं तो आप दूसरों को भी चीज़ अच्छी लेके दें, तो फिर देखें कि आपकी ब्रीड किधर जाती है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत डालेगा इस तरह, ठीक है। जब आपकी नीयतें आसान होगी तो मंजिलें आपकी जो है ना वो ईज़िली आसान हो जाएंगी।
तो इसीलिए भाइयों जो है ना, अब दूसरे का इस शौक ऐसा है ना, इसमें आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलेंगे तभी ये शौक आगे बढ़ सकता है, और इस शौक को आगे बढ़ाना है ठीक है, क्योंकि अच्छी हॉबी है, अच्छा शौक है ये, बहुत सारे बुरे कामों से ये बहुत ज़्यादा शौक अच्छा है। मैंने बहुत सारे फ्रेंड ऐसे देखे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं ठीक है, कुछ लव बर्ड में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जैसे कि आप मोटिवेशन वीडियो आप देख सकते हैं नवीद शेख भाई की होगी, एक दो दूसरे भाई और हैं वो इस टाइम आपको जो है ना वो मोटिवेट कर रहे हैं ठीक है, तो आप उनकी वीडियोस देखा करें ठीक है, इसी तरह की और वीडियोस आप देखा करें ताकि मोटिवेट होकर आप इस शौक में आएं, ये एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन अच्छा रोज़गार है ठीक है, आप इसको जो है ना अच्छे तरीके से लेकर चलें तो आप अपनी इलाज की जो है ना वो रिस्क भी कमा सकते हैं और अपना शौक भी जो आप अच्छे तरीके से वो जो है ना वो पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इसीलिए जितना आपको इल्म है वो हर किसी दूसरों के साथ शेयर करने की कोशिश करें, शेयर करने से इल्म बढ़ता है, घटता कभी भी नहीं है, कुछ आप दूसरों को बताएंगे, कुछ दूसरों से आपको सीखने को मिलेगा, इसी तरह शौक जारी रहेगा, तो इसी तरह अपने शौक को जारी रखिए, मिल बांट कर काम करें ताकि आपके काम में भी बरकत हो, दूसरों के काम में भी बरकत हो और इस शौक को आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, मिलते हैं उस टाइम तक, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।